वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज बैंकिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड देखो अल्टीमेटली देखो एक होता है मार्क्स के लिए चीज़ कि हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए। बिकॉज देखो सारी जो इकोनॉमी है ना वो किसके ऊपर चल रही है, सिर्फ बैंक्स के ऊपर चल रही है। तो बैंक्स की कुछ टर्म्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कल को अगर कोई भी आपको बोलता है कि जाओ बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाओ या कुछ करवाओ, या बैंकिंग का कोई भी काम होता है कि भाई आपको जो काम करवाना है बैंकिंग का, तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर द मार्क्स, सिर्फ मार्क्स के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो फॉर योर जनरल नॉलेज जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 to 6 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और देखो पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट 80% अंडरस्टैंडिंग और 20% उसमें आपको क्या करना है, लर्निंग करना है। ठीक है, अगर समझते हुए लर्न करोगे तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर आपने समझा नहीं, आपने सोचा कि सर हम सिर्फ रट्टा मार लेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं चलती। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स तो चल जाएगी लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं चलती। तो ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को देखना, और प्रॉपर जो मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ इसी नोट से लर्न कर लेना। आपको इस नोट्स के बाहर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस नोट्स के अंदर मैंने जो है ना सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में सिर्फ इसी नोट से आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद दी बैंकिंग। तो बैंक्स जो है ना, सबसे पहले हम जो बैंक पढ़ रहे हैं दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स। के कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, देखो कमर्शियल इज अ टर्म, ये जो कमर्शियल टर्म जो होती है ना ये कनेक्टेड होती है बिजनेस के साथ। ठीक है, हम लोग जब भी अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल एक्टिविटी, तो कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना दैट इज प्रॉफिट। उसका कमाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जैसे मान लो हमारी घर पे मम्मी हमारे लिए फूड कुकिंग कर रही है, तो उनका कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो हमसे पैसे लेंगे एंड फिर हमें खाना देंगे। ठीक है, दैट इज़ नॉट कमर्शियल। तो सबसे पहले टर्म को समझो, कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक जो कि एक्टिविटीज़ कर रहा है फॉर अर्निंग दी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स किससे कमाएगा, कस्टमर से जिसको वो सर्विसेज दे रहा है। तो भाई अगर तुम लोगों को बैंक सर्विसेज दे रहा है तो तुम लोगों को से वो क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे बात कर रहे हैं सबसे पहला बैंक दैट इज कमर्शियल बैंक। सब देखो कमर्शियल बैंक से कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, आपके आसपास देख लो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, इलाहाबाद बैंक ले लो, HDFC बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, ये जितने भी बैंक हैं सारे के सारे कौन से बैंक हैं दोस्तों, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कमर्शियल बैंक की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज इट इज डेफिनेशन को लर्न करने की कोशिश करना। देखो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि तुम बड़े बड़े आंसर्स लिख कर आ रहे हो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं चाहिए कि हमें सर आंसर के लिंक्स चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर फिर भी हो सकता है कि आप थोड़ा आसपास का लिख देते हो, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक की जो डेफिनेशन है, कट टू कट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर वो लिखोगे वोकैबुलरी के अंदर तो मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलते इकोनॉमिक्स के अंदर, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, कमर्शियल बैंक, देखो सीबी का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, सीबी कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, देखो बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मतलब आप जो पैसे लेकर गए उसको एक्सेप्ट करता है ना बैंक अकाउंट के अंदर रखते हो पैसे। ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, बैंक आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं, आपके बिहाफ पर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे वो शेयर्स में आप बोलो इनको इन्वेस्टमेंट करने की, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में बोलो, सिक्योरिटीज में बोलो, इन्वेस्टमेंट करके देते हैं आपको विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो मेन इनका एम क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट का। तो रेड कलर से जो मैंने मार्क करा है ना इसको लर्न कर लो, अल्टीमेटली आपको 1 out of 1 डेफिनेशन में मिल जाता है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब डिपॉजिट मतलब आप लोग बैंक में जाते हो पैसे डिपॉजिट करने के लिए, वो पैसे ले लेते हैं क्या, आपको मना कर देते हैं कि नहीं भैया हम पैसे नहीं ले रहे। ठीक है, तो वो ले लेते हैं पैसे, सर वैसे भी पैसे कौन मना करता है, जो पैसे मना नहीं करता तो क्या वो बैंक होते हैं, नहीं जी नहीं। अब सर आप भी पैसे, हम आपको पैसे देते हैं, आप मना नहीं करते तो आप भी बैंक को, क्या सर मैं बैंक नहीं हूँ। देखो दूसरा फंक्शन क्या है, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो उनको लोन भी देना है आपको। ठीक है, और क्या देते हैं, आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो ये वाली डेफिनेशन लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। चलो आगे, कमर्शियल बैंक से कुछ फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस।
अभी मैं इनको आपको समझाता हूँ कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। अभी सिर्फ हम हेडिंग्स के ऊपर बात करते हैं, फिर इनकी हम अंदर से डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, क्या होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी फंक्शंस के ऊपर। तो देखो प्राइमरी फंक्शंस के क्या लिखा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपके पैसे जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए गए उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पैसे वो रखेंगे अपने पास। सेकेंड क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, आपको क्या देंगे, लोन देंगे। तो अगर आपने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन को लर्न कर लिया तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन से ही तो दो इसके क्या निकल के आए, प्राइमरी फंक्शंस निकल के आए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक में भी जब आप पैसे डिपॉजिट करवाते हो ना तो उसके बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं, बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं। मतलब सर हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट करवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, टाइम डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, या फिर सेविंग डिपॉजिट्स करवा रहे हैं। आप मतलब डिपॉजिट पैसे जमा करवाने के लिए तो गए, लेकिन कहाँ, करंट अकाउंट के अंदर एफडी करवाने के लिए गए, टाइम डिपॉजिट करवाने के लिए गए, कि अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने के लिए गए। तो मतलब सर पैसे जो बैंक को जो दे रहे हैं वो वेरियस अकाउंट्स के अंदर जा सकते हैं। अब सर ये क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, अभी समझाऊंगा, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, लोन्स देने का काम है इनका, तो कैश क्रेडिट देते हैं आपको ये लोग, क्या देते हैं, डिमांड लोन्स देते हैं। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेडिंग्स की, अभी डिटेलिंग में आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दो कौन से फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, एक होता है इनका सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है, प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। इतना लर्न हुआ, लर्न होना चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वीडियो का बेसिकली मोटिव इसके साथ साथ आप लर्न भी कर लो। चलो अब कमर्शियल बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं। देखो हर एक हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे हम लोग किससे बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से, हमारे घर के अंदर सर जो भी अर्निंग आती है क्या हम सारा खर्च कर देते हैं, कुछ सेविंग्स भी करते हैं सर, कुछ सेविंग्स भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर फोकस करें, हाउस होल्ड सेक्टर सेव्स अ पार्ट ऑफ द इनकम, हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, विच इज मेड अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। वो सेविंग करा हुआ पैसा हम कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, बैंक्स में रखते हैं, और बैंक उस पैसे को आगे क्या करती है, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करती है कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए, ठीक है। सेंट्रल बैंक, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक, सीबी मतलब सेंट्रल बैंक, एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हुज मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड लेंड इन टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। देखो हम क्या करते हैं, हम हाउस होल्ड वाले हैं, हमने अपने पैसे को मान लो अगर मैंने 100 रुपये कमाए, उसमें से मैंने 60 का एक्सपेंडिचर करा, 40 रुपीज़ मैंने सेव करे, वो सेविंग्स लेके मैं कहाँ पर गया, बैंक के पास गया, 40 रुपीज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। दोस्तों बैंक क्या करेगा, मेरी उस जो सेविंग्स है ना, सेविंग्स उसके जो 40 रुपीज़ है, तो जिस कंपनी को लोन चाहिए होगा उसको लोन की फॉर्म में क्या दे देगा, 40 रुपीज़ दे देगा। तो वहां से देखो अब क्या हो गया कि बैंक ने क्या करा, मेरे 40 रुपीज़ का लोन किसको दे दिया, किसी इंडस्ट्री को दे दिया, और सर उस इंडस्ट्रीज को हम कौन सा सेक्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर, जो प्रोडक्शन वगैरह पर काम करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं था, बैंक था, और एक प्रोडक्टिव सेक्टर था, दोस्तों बीच में कौन खड़ा हुआ है, बैंक खड़ा हुआ है। मेरा पैसा कंपनीज तक किसने पहुंचाया, बैंक ने पहुंचाया। तो बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज इज बीच का बंदा है, बीच का बनता है, ठीक है, मिडलमैन। तो यहाँ पे मिडलमैन कौन है, बैंक है। किसके बीच में सर, हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में और प्रोडक्टिव सेक्टर के बीच में मिडलमैन इज द बैंक, दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। वर्ड को याद रखना यार, वर्ड को याद रखना, इसलिए मैंने रेड कलर से इसको क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हुज मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। मेरा जो सेविंग्स वाला पैसा है मुझसे लिया एंड उसको लेंड कर दिया, लोन की फॉर्म में दे दिया, किसको, लोन के फॉर्म में दे दिया टू द लेंडिंग सेक्टर, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट करो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ अब आपको, बोरिंग रेट क्या होता है, लेंडिंग रेट क्या होता है। तो अभी समझते हैं व्हाट इज द बोरिंग रेट एंड व्हाट इज द लेंडिंग रेट, इन दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो बोरिंग रेट क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज द बोरिंग रेट एंड द रेट एट विच द बैंक लेंड आउट द रिजर्व्स टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड द लेंडिंग रेट। देखो मैं अपने पैसे लेकर गया बैंक के पास, बैंक में डिपॉजिट करवाया, जो मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए उस पैसे के ऊपर बैंक मुझे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग रेट, उसको क्या बोलते हैं, बोरिंग रेट। देखो किसने किससे बोरो करा, बैंक ने मुझसे पैसे क्या करे हैं, बोरो करे हैं, तो बैंक मुझे क्या पे करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, बोरिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उस पैसे को, मेरे पैसे जो कि मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया,
बैंक उसको फर्दर आगे क्या करेगा, लेंड करेगा किसी कंपनीज को, ठीक है, कंपनीज को आगे क्या करेगा, लेंड करेगा। उस कंपनी से वो क्या लेगा, उस कंपनी से वो क्या लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। भाई बैंक अपना पैसा किसको दे रहा है, बैंक अपने पैसे किसको दे रहे हैं, कंपनीज को दे रहे हैं। तो कंपनीज को अगर लोन दे रहे हैं तो उनसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेंडिंग रेट। बिकॉज बैंक लेंड कर रहा है किसको, कंपनीज को लेंड कर रहा है, कंपनी से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, दैट इज नोन एज लेंडिंग रेट। द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट, इन दोनों रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं जो बैंक में पैसे जो डिपॉजिट करता हूँ ना, उस पर लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कितना, 5%। मुझे बैंक कितना इंटरेस्ट पे करता है, 5%। बैंक जो आगे लेंड करता है कंपनीज को, वो देता है लेट सपोज 12% पर। कितना देता है, 12% पे कंपनीज को आके क्या करा, लेंड करा। तो 12% और 5% मिला कितना, 12%। मेरे को कितना दिया, 5%। तो 7% जो बीच में बैंक ने जो अर्न करा, वो होती है बैंक की एक्चुअल अर्निंग्स, और उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक। तो स्प्रेड क्या होता है, दिस इज द प्रॉफिट जो कि बैंक क्या करता है, अर्न करता है बाय लेंडिंग द मनी एंड बोरिंग द मनी। ठीक है, बोरिंग करा है मेरे से, लेंड करा है कंपनीज को, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, स्प्रेड। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं कुछ कमर्शियल बैंक्स के, सेकेंडरी फंक्शंस में आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक आता है एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आईटी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ठीक है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, लेटर ऑफ रेफरेंस। एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसके अंदर लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर चेक देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे बैंक्स के। तो प्राइमरी फंक्शंस करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो को, पार्ट वन ऑफ द वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट टू ऑफ द वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शंस एंड दी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ दी बैंक। तो आज हमने क्या लिया, व्हाट इज द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस होते हैं, एंड बेसिकली व्हाट इज द बोरिंग रेट, व्हाट इज द लेंडिंग रेट, एंड व्हाट इज द स्प्रेड। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीजें क्या कर दी दोस्तों, कवर अप कर दी। ठीक है, चलो बाय बाय। आई होप आपको ये नोट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एग्जाम्स आएंगे उनके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी टॉपिक को अच्छे से क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। ठीक है,